कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। आप सभी लोग जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस या फिर कहें कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहा है। एंड अगर इंडिया की बात करें तो इसके 10,500 केसेस के आसपास हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है। इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। मुझे लगता है जो पहले एक एप्लीकेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना कवच, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। उस एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको अपग्रेड करके आरोग्य सेतु नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन आपका इस तरीके से हेल्प करेगी, अगर आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो और आपके आसपास कोई भी कोरोना से रिलेटेड मरीज़ आता है या जिसको कोरोना संक्रमित मरीज़ आता है, जिसको कोरोना है, ये एप्लीकेशन आपको पहले ही अलर्ट कर देगा। दूसरी बात, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड एंड iOS सब पे रन करेगा, दोनों पर रन करेगा। ये बेसिकली आपके एरिया की रिस्क भी बता देगा कि आपके एरिया में रिस्क कितनी है, हाई, लो या मीडियम, इस तरह से, तो आप और ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसके साथ थी NIC यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक अटैच्ड यूनिट है। एंड NIC का काम है एक एप्लीकेशन को बनाना, एंड गवर्नमेंट को अगर वो अच्छी लगती तो उसका वो यूज़ करती है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे आपको इंस्टॉल करना है एंड कैसे यूज़ करना है पूरा सब बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलना है हमें प्ले स्टोर पे, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है आरोग्य सेतु। यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना। ये बहुत छोटी एप्लीकेशन है तो इसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा, सिर्फ 2.93 MB की है। एंड देखा जाए तो इसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, 4.6 रेटिंग बहुत अच्छी हुई। ये एप्लीकेशन तुरंत इंस्टॉल हो जाती है क्योंकि बहुत छोटी है, एंड आपको ओपन कर लेनी है। ये एप्लीकेशन आपको 11 लैंग्वेजेस में मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको बहुत ही सिंपल इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ईजी एंड सिंपल। इंग्लिश में कर देता हूँ, नेक्स्ट करना है। एंड आप स्वाइप करेंगे आपको थोड़े यहाँ पे कुछ एक टाइप ऑफ डिटेल्स मिलेंगी, एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। ये ऐप बेसिकली आपका GPS, ब्लूटूथ और थोड़ा डेटा लेगी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन चीज़ें हैं। एंड आई एग्री कर देना है एंड परमिशन दे देनी है। परमिशन देने के बाद आपको मेक श्योर कि आपका GPS भी ऑन हो सकता है आपसे GPS की भी परमिशन मांगे। मेरी GPS ऑन है इसलिए मेरा उसने मांगा नहीं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। अब आप पूछोगे फ़ोन नंबर क्यों देना है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर है, वाई इट इज़ नीडेड। तो आप इसको पढ़ लो, एंड आपको अपना फ़ोन नंबर देना है एंड सबमिट कर देना है। OTP लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डिवाइस की लोकेशन ऑन है, तो इसने लोकेशन और ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग यहाँ बता दिया कि मेरे एरिया में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन लो है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी एप्लीकेशन करें सबके एरिया में रिस्क लो ही नज़र आए। यहाँ पे देखिए इनकी रिकमेंडेशन है, टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, मेंटेन सोशल डिस्टेंस और ऐप को रेगुलरली चेक करें अपडेट्स के लिए। यहाँ पे इन्होंने थोड़े और एक तरीके से आपको थोड़ा और गाइड करने की कोशिश करी है कि आप कैसे हाई करते हो, आप हैंडशेक ना करो, सोशल गैदरिंग को थोड़ा अवॉइड करो एंड थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखो। आप नीचे जाओगे तो थोड़ी अमिताभ बच्चन जी की एक क्लिप है जो कोविड-19 पर एक मैसेज दे रहे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको ये 3 PDF मिल जाते हैं, ये डूज एंड डोंट्स का, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये PDF आ जाएगा। आपको इसमें पूरा गाइड कर देगा ये कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इसको पूरा पढ़ लो एंड आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको बेसिकली इसमें करना क्या है क्या नहीं करना है। ये थोड़ा समय लग रहा है ओपन होने में तो मैं बैक कर रहा हूँ। एंड इसी के नीचे कोविड-19 के बारे में है, आप इस पर क्लिक करोगे तो सेम PDF वाला। एंड उसके नीचे आप सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हो, तो ये एक तरीके से यहाँ पे 3 PDF मिलते हैं। थोड़ा और नीचे आप स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ पे UPI के थ्रू डोनेट भी कर सकते हैं PM केयर फंड में। तो ये इस ऐप का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी बीच में फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, कि आप कोई भी आपको कोई गलत तरीके से या कोई आप गलत एप्लीकेशन पे जाके पेमेंट करो तो कहीं और चला जाए, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना चाहते हो, मैं तो कहूँगा आपको लेना ही चाहिए,
एंड यहाँ पे आपको फिर क्लिक करना है सेल्फ असेस। एंड यहाँ पे आपसे जो एक क्वेश्चन पूछे, मेक श्योर कि आप उनका एकदम सही जवाब दें, मैं आप कुछ भी गलत ना बताएं। अगर कुछ ऐसा है जो भी पूछे आप सच सच बताएं, क्योंकि इसमें आप ही की भलाई है। तो यहाँ पे आपको सब सिंपली आंसर देना है एंड आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा कि आपका इन्फेक्शन का रिस्क कितना है। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एंड इसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल या रिलेटिव्स हैं वो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज़ की रिक्वेस्ट भी करी है, क्लिप आप लोग सबसे पहले देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।